नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाबू ऑलराउंडर। तो दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बैपम द्वारा सब इंजीनियर एग्जाम की जो परीक्षा कराई गई थी 2018 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। तो उसके अंतर्गत जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी को हमारी तरफ से अग्रिम बधाई, और आपकी ज्वाइनिंग 3 महीने के अंदर आ जाएगी। जैसे कि ज्वाइनिंग के बारे में बता दूँ, तो जो ज्वाइनिंग की वेरिफिकेशन प्रोसेस है की वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अलग अलग डिपार्टमेंट की जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसकी सेपरेट वीडियो आपको बता दी गई, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे और अनुप्रवाण फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना रहेगा और कहां से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कट ऑफ किस प्रकार से रहा है। तो सहायक मानचित्रकार की बात कर लेते हैं, जैसे कि असिस्टेंट ड्राफ्टमैन बोलते हैं, उसका जो कट ऑफ रहा है वो 125.62 रहा है जनरल कैटेगरी के लिए जबलपुर विकास प्राधिकरण के लिए। वहीं सर्वेयर की बात करते हैं तो जनरल ओपन के लिए जो कट ऑफ रहा है 111 रहा है। बात कर लेते हैं सब इंजीनियर की, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल की, जो कि WRD डिपार्टमेंट है, जनरल कैटेगरी ओपन जो है जो कट ऑफ रहा है वो 155.89, फीमेल के लिए 144.61, SC के लिए 141.53, वहीं फीमेल के लिए जो कट ऑफ रहा है वो 132.3 रहा है। वहीं उपयंत्री की बात कर लेते हैं, ST के लिए तो ओपन में 127.17 का कट ऑफ रहा है, वहीं ST फीमेल 113 कट ऑफ रहा है। बात कर लेते हैं OBC WRD डिपार्टमेंट के लिए 154.87 रहा है, OBC फीमेल के लिए 147.69, और वहीं जनरल कैटेगरी जो कि सर्विसमैन रहे हैं एक्स सर्विसमैन, उनका जो कट ऑफ रहा है वो 109.74 रहा है WRD में। वहीं जनरल फीमेल के लिए 0, SC के लिए 0, ST 0, OBC का जो एक्स सर्विसमैन रहे हैं 124 कट ऑफ रहा है। वहीं OH कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो SC में जो एक दो सीट थी उसका कट ऑफ 121 रहा है। वहीं जल संसाधन विभाग में OH OBC का जो कट ऑफ रहा है दो सीटों के लिए 121 रहा है। बात कर लेते हैं उपयंत्री जो कि सिविल की, जिसमें WRD का जो कट ऑफ रहा है वो 160.79 रहा है, फीमेल के लिए 148.51, SC के लिए 144.82, SC के लिए 132.55, ST के लिए 130.09, ST फीमेल 120.26, OBC के लिए जो कट ऑफ रहा है वो 157.86 रहा है, वहीं OBC फीमेल के लिए 144.65 कट ऑफ रहा है। जनरल की बात कर लेते हैं, उपयंत्री सिविल जो कि एक्स सर्विसमैन रहे हैं उनके लिए 0, फीमेल के लिए 0, वहीं क्योंकि इन पे कोई कैंडिडेट नहीं थे इसलिए 0-0 रहा है वो। उपयंत्री सिविल SC सर्विसमैन के लिए कट ऑफ 0, SC फीमेल 0, ST की बात करें दो सीट के लिए 0, ST फीमेल 0, OBC के एक्स सर्विसमैन के लिए जो कट ऑफ रहा है वो 106.75 रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं फीमेल की, तो फीमेल में जो कट ऑफ रहा है वो 0 क्योंकि कोई कैंडिडेट मिल नहीं पाया। OH की बात कर लेते हैं जनरल में, WRD सिविल 125.92, SC के लिए 138.04, OBC के लिए 128.86, EH जो हैं उनके लिए तीन सीट के लिए 132.54 का कट ऑफ रहा है। वही मानचित्रकार की बात कर लेते हैं जो कि ड्राफ्ट्समैन होते हैं, जो कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास जो विद्यांचल भवन है संचनालय उसमें जो निकली थी पोस्ट उसके लिए जनरल की बात कर लेते हैं तो 157.86 का कट ऑफ रहा है। वहीं फीमेल के लिए 141.14, SC के लिए 141.18, SC के लिए 131.31, ST के लिए 123.73, ST के लिए 116.54, OBC के लिए 155.15, OBC फीमेल 140.11, वहीं सर्विसमैन की बात कर लेते हैं तो UR का 0, ST 0, UR 129.24, जो कि EH कैंडिडेट हैं, UR उपयंत्री सिविल डायरेक्ट 162.02, जो कि मध्य प्रदेश गृह निर्माण विभाग की बात कर लेते हैं तो अधोसंरचना विभाग जो कि हाउसिंग बोर्ड है उसका जो कट ऑफ रहा है 162.02 सिविल का रहा है, फीमेल के लिए 143.0। ठीक है, SC की बात कर लेते हैं तो 150.86, ST के लिए 125.18, ST फीमेल 113.25, OBC के लिए 158.37 कट ऑफ रहा है, OBC फीमेल 148.7, EH के लिए 148.51। ठीक है, उपयंत्री विद्युत इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं जो कि हाउसिंग बोर्ड में है, उनका कट ऑफ रहा है 154, फीमेल के लिए 144। ठीक है, एसटी के लिए जो कट ऑफ रहा है वो 125,
ओबीसी के लिए 153, विद्युत सब इंजीनियर, ठीक है। अब प्रमुख मानचित्रकार की बात कर लेते हैं, तो ये संचनालय, पुरातत्व अभिलेखाकार एवं संग्रहालय, तो इसके लिए जो कट ऑफ रहा है 113.56 रहा है। उपयंत्री डायरेक्ट की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसका जो कट ऑफ रहा है 162.26, फीमेल के लिए 153.45, एससी के लिए 148.51, एससी फीमेल 132.55, एसटी के लिए 112.9, ओबीसी 0 और ओबीसी फीमेल 144.65, वही ओएच कैंडिडेट ओबीसी 121.49। उपयंत्री सिविल डायरेक्ट कार्यालय प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी आरईएस की बात कर लेते हैं, तो इसका जो कट ऑफ रहा है 158.34, फीमेल 140.11, एससी के लिए 142.25, एससी फीमेल 129.24, एसटी 125.92, एसटी 112.18, ओबीसी 157.11, ठीक है। ओबीसी फीमेल 139.92, वहीं सर्विसमैन की बात कर लेते हैं, तो जनरल का 0, फीमेल 0, एससी के लिए 0, एसटी 0, ओबीसी, और इसमें ओएच कैंडिडेट जनरल के जो कट ऑफ रहा है 121.84, ओबीसी के लिए 122.62 ओएच कैंडिडेट, ठीक है। सहायक मानचित्रकार की बात कर लेते हैं, तो कार्यालय प्रमुख अभियंता जो ग्रामीण विकास के लिए हैं, उसका जो कट ऑफ रहा है 157.3, 139.92 फीमेल, एससी के लिए 141.35, एससी फीमेल 126.41, एसटी 129, एसटी 112.1, ओबीसी 155.8, ओबीसी फीमेल 138.68। उपयंत्री सिविल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी पीएचई डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो 158.34 कट ऑफ रहा है, फीमेल के लिए 142.37, वहीं एक्स सर्विसमैन की बात कर लें, तो उसके लिए कोई सीट नहीं थी तो 0 रहा है, वहीं फीमेल एक्स सर्विसमैन 0, ओएच कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ रहा है 121.52, ओबीसी के लिए 190.32। वहीं विद्युत और यांत्रिकी की बात कर लेते हैं, पीएचई में जो कट ऑफ रहा है 154.87 जनरल का, फीमेल के लिए 141.53, एक्स सर्विसमैन के लिए 127.17, एसटी के लिए 127.22, ओबीसी की बात कर लेते हैं मानचित्रकार में जो कि पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के हैं, उनका जो कट ऑफ रहा है 112.56 ओबीसी के लिए रहा है। उपयंत्री सिविल डायरेक्ट कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की बात कर लेते हैं, एससी का जो कट ऑफ रहा है जो कि बैकलॉग में है 141.35, एससी फीमेल 128.13, एसटी का बात कर ले 124.83, एसटी फीमेल 109.41, ओबीसी 156.23, ओबीसी फीमेल 141.14, ठीक है। ओएच कैंडिडेट एससी पीएचई डिपार्टमेंट 121.52। वहीं ए एंड एम की बात कर लेते हैं, पीएचई में तो एससी का जो कट ऑफ रहा है 139.48, एससी फीमेल 132.3, एसटी का 124.1, एसटी 111.79, ओबीसी का 153.84, ओबीसी 144.61। बात कर लेते हैं उपयंत्री सिविल की जो कि बैकलॉग की है, जो कि जनजाति कार्यालय विभाग एससी का जो कट ऑफ रहा है 0, ओपन के लिए फीमेल की बात कर लेते हैं 127.03 रहा है। उपयंत्री सिविल डायरेक्ट की बात कर लेते हैं, एसटी तो 141.35 रहा है, ओबीसी की बात कर लेते हैं 155.88, ओबीसी फीमेल 153.45, ओबीसी के लिए 114.12, ओएच कैंडिडेट की ईएचएससी 123.73। वही निर्माण सहायक की बात कर लेते हैं, इनकी बात कर लेते हैं, तो कार्यालय आयोग जनजातीय कार्यालय एससी की जो कट ऑफ रहा है 0, फीमेल के लिए 125.92, एसटी के लिए 127.63, एसटी फीमेल 112.18, ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहा है 155.88, एससी के लिए जो कट ऑफ रहा है 115.35, ठीक है। सहायक मानचित्रकार बैकलॉग, इसमें एससी का कट ऑफ रहा है 140.24, एसटी 123.73, ओबीसी 155.88, एससी ओपन अनुरेखक जो कि ट्रेसर होते हैं उनकी जो रही है, एससी का जो कट ऑफ रहा है 140.11, एसटी का 123.73, ओबीसी 155.66 का जो कट ऑफ रहा है।
उपयंत्री डायरेक्ट बैकलॉग कार्यालय प्रमुख अभियंता जल एवं संसाधन की बात कर सॉरी कार्यालय प्रमुख अभियंता की जो है विद्युत सुरक्षा एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, तो इसमें एससी कट ऑफ 137 रहा है, वही एससी फीमेल 129 रहा है। ठीक है, एसटी की बात कर लेते हैं, 123 एसटी फीमेल 104, ओबीसी 152, ओबीसी फीमेल 147, एक्स सर्विसमैन एससी 0, वही एसटी एक्स सर्विसमैन 0, ओबीसी 0, क्योंकि कोई भी जो कैंडिडेट है वो नहीं मिल पाते। ठीक है, बात कर लेते हैं अनुरेखक की, तो एक्स एसटी 123.73। ठीक है, उपयंत्री सिविल संविदा की जो मेट्रो रेल की जो भर्तियां हैं उसका कट ऑफ 157.3, फीमेल के लिए 143.6, एससी के लिए 141.14। दोस्तों इसमें 3 वर्ष का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया था, इसका ध्यान आपको जरूर रखना है। एसटी के लिए 123.94, एसटी फीमेल 109.41, ओबीसी के लिए 155.15, जनरल कैंडिडेट के लिए 154.87 का कट ऑफ रहा है। ठीक है, मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, संविदा, ठीक है, मैकेनिकल जो जनरल है फीमेल 139.48, एसटी के लिए 122.045 रहा है। उपयंत्री विद्युत की बात कर लेते हैं तो 152, वहीं उपयंत्री मेट्रो में इलेक्ट्रिक वो जनरल का कट ऑफ रहा है 144, एससी के लिए 137, एसटी 122। वहीं बात कर ले उपयंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस मेट्रो के लिए जो यूआर का कट ऑफ 146, फीमेल 142, ओपन कैंडिडेट जो कि एससी में है 130, एसटी 112 और जनरल का कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहा 121 रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो कट ऑफ है वो रहा है, दोस्तों का जो सीट थी वो जस्ट हाफ हो गई, तो आप देख सकते हैं कट ऑफ का जो डिफरेंस पिछले सवाल से 10 नंबर एक्स्ट्रा ही रहा है, जो कि हमने पहले भी आपको बता दिया था कि कट ऑफ इस प्रकार से वेरी कर सकता है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था लगभग वो सेम था, किंतु जो वैकेंसी है उसका इफेक्ट आपके कट ऑफ पर सीधा सीधा पड़ जाता है। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी को हमारी तरफ से बधाई, और जिनका नहीं हुआ है तो वो आप अगली आने वाली परीक्षाओं की तैयारियों में लगे रहें, आप जरूर सफल होंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।